हमारे मुख्य व्याख्याता के रूप में हम सब के बीच जो उपस्थित हैं वो पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर बनमाली विश्वाल गुरु जी हैं। आप दो दो परिसरों के निदेशक रहे हैं, व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं तथा वर्तमान में आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में डायरेक्टर ऑफ स्टाफ के पद पर हैं। आपका इस पौरोहित्य प्रशिक्षण वर्ग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और समस्त रूप से उपस्थित यहां सभी के स्वागतार्थ मैं न्याय विभागाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी से निवेदन करता हूं कि आप सबका एक तंत्रेण स्वागत करें। अस्तु बहुत नाम सर्वेषां स्वागत। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तता दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। सर्वेभ्य नमो नमः। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे एकविंशति दिवसात्मकं पौरोहित्य प्रशिक्षण वर्गः इदानीं समायोज्यन्ते। अस्मिन् वर्गे अद्य नवम दिवसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय नव दिल्लीतः आचार्य श्रेष्ठाः प्रोफेसर व्याकरण शास्त्र निष्णाताः सुकवयः लेखकाश्च प्रोफेसर वनवाली विश्वाल महाभागाः इदानीम् अस्माकं समक्षे समुपस्थिताः विद्यन्ते। महोदयानाम् अहं प्रीति प्रमुख वचने अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। अथ च अस्मिन्नेव कार्यक्रमे अग्रे अजय कुमार शर्मा महोदय अपि आगमिष्यन्ति। एतेपि आचार्याः पुरुलिया विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे वेद विशेषज्ञत्वेन विराजमाना विद्यन्ते। महोदयानामपि अत्र अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये पक्षतः रघुनाथ कीर्ति परिसर पक्षतः अथ च न्याय विभाग आंतरिक गुणोत्ताश्वासन प्रकोष्ठ इत्यनयो संयुक्त पक्षतः एवं वेद विभाग पक्षतः हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य नवमो दिवसो विद्यते। आंग्लभाषायाम् इत्युक्तं विद्यते यत् वेल बिगिन टू हाफ डन इति। अस्य कार्यक्रमस्य मध्यभागे वयं स्मः। भवतां सर्वेषां सहयोगेनैव कार्यक्रमो अयं सफली भविष्यति इति मे आशा विद्यते। अतः कृपया नित्यं प्रति आगच्छन्तु, शृण्वन्तु, यथा सिद्धं भवति तथा ज्ञानगङ्गायां स्नानं कुर्वन्तु। धन्यवादः। विरमामि। सर्वेषामपि एकतन्त्रेण हार्दिकम् अभिनन्दनम्। न्याय विभागाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी के बारे में मैं दो शब्द और कहना चाहता हूँ। पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद हम सबों को आज मिलने जा रहा है। आप विश्व संस्कृत विषय में ख्याति लब्ध हैं, आपकी कविताएं विश्व प्रसिद्ध हैं और गुरु जी ऐसे विद्वान हैं जिनके लिखे हुए ग्रंथों पर आज देश भर में शोध कार्य हो रहा है। अपने परिसर में भी आपके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे हैं छात्र, ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं। आपको इस संपूर्ण पौरोहित्य प्रशिक्षण वर्ग की ओर से मैं सादर प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ और पूज्य गुरुदेव से अब आग्रह करता हूँ कि वैदिक वाङ्मय में रुद्र का स्वरूप इस विषय पर आप अपने व्याख्यान से हम सबको कृतार्थ करें।
पूज्य गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही। भागर्थाव संप्रुक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य वेद विभागेन तथा तस्यैव परिसरस्य आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठेन समायोजितस्य अंतर्जालीय व्यावसायिक पौरोहित्य प्रशिक्षण वर्गस्य नवमे दिने प्रथमे सत्रे अणुप्रणाल्या संयुक्तानां समेषां प्रतिभागिनां तथा अन्येषां च विदुषां हार्दं स्वागतं करोमि। विशिष्यास्य प्रशिक्षण वर्गस्य अध्यक्षाः परिसर निदेशकाः प्रोफेसर विजयपाल शास्त्रिणः तथा अस्य प्रशिक्षण वर्गस्य समन्वयकौ डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महोदयः तथा डॉक्टर शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल महोदयः एवमेव श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य अन्ये सर्वे आचार्याः अध्यापकाः मदीयाः पूर्व सहकर्मिणः छात्राः शोधछात्राश्च सत्रसञ्चालकाः डॉक्टर आनंद मिश्र महोदयः। मया व्याख्यानस्य विषये ईषत् परिवर्तनं कृतम्। मम व्याख्यानस्य विषयः वर्तते इदानीं वैदिकवाङ्मये देवतात्वं विष्णु रुद्रयोर विशेष संदर्भे। रुद्र तो प्रथम आसीदेव विष्णु तत्त्वं तत्र मया योजितं। विशिष्य अत्र विष्णु तत्त्वोपरि चर्चा करिष्यते। समयः लभ्यते चेत् रुद्र तत्त्वोपरि अपि चर्चा करिष्यते। कर्मकाण्डेषु वेदमन्त्राणां प्रयोगो भवति। वेदमन्त्राणां ऋषयः भवन्ति, देवता अपि भवन्ति। अत्र अस्माभिः देवतातत्त्वविषये काञ्चित् चर्चां कुर्मः। अरे खर्चो तो होता दीदी सहन रहा। कस्यचित् माइक म्यूट नास्ति, कृपया स्व माइक म्यूट कुर्वन्तु। वेदे संचालक महोदय जनार्दन स्वेदी महाभागा स्वेदी महाभागा अनम आम आम सद किं चलति कस्य सभी का माइक जो है म्यूट कर दीजिए। जातम वा जातम गुरवः। अस्तु कर्मकाण्डेषु वेदमन्त्राणां प्रयोगो भवति। वेदमन्त्राणां ऋषयः भवन्ति, देवताः अपि भवन्ति। अत्र अस्माभिः देवतातत्त्वविषये काञ्चित् चर्चां कुर्मः। विशिष्य विष्णुतत्त्वविषये, रुद्रतत्त्वविषये च। वेदे एकेश्वरवादोऽपि वर्तते, बहुदेववादोऽपि वर्तते। बहुदेववादे तु समस्या नास्ति, किन्तु वेदोक्त एकेश्वरवादे
सा एक ईश्वर कह इति स्वाभाविकी जिज्ञासा भवति। तद विष्णु तत्त्वम्, शिव तत्त्वम्, ब्रह्म तत्त्वम् अथवा किमपि अन्यत्। वस्तुतः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्येतद् वचनानुसारं तेषाम् अभेदत्वमपि प्रतिपादितं वर्तते। महद्देवानाम् असुरत्वम् एकम् इति उक्तिरपि तत्र प्रमाणभूतम्। असुरत्वम् इति प्राणत्वम्। जम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः इत्यादि वचनमपि तेषाम् अभेदत्वं समर्थयति। पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, विश्वकर्म सूक्तादिषु तस्य किमपि स्वरूपं वर्णितमस्ति। विश्वकर्म सूक्ते स च ईश्वरः विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुः तथा विश्वतस्पाद इत्यादि विशेषणैः भूषितोऽस्ति। स एव परमात्मा ऐश्वर्यवान्, सर्वव्यापकः, सर्वं धारयितुं निर्मातुं च क्षमः इति तत्र वचनम् उपलभ्यते। वस्तुतः एतादृशं स्वरूपम् अन्यदेवापेक्षया विष्णौ अधिकं प्रतिफलति। न केवलं पुराणेषु किन्तु उपनिषत्सु अन्येषु वैदिकवाङ्मयेषु ऋग्वेदस्य विष्णुसूक्ते प्रसंगवशात् अन्येषु सूक्तेषु अपि विष्णुः परमात्मा, परब्रह्म, सर्वव्यापकः इत्येवं प्रकारेण वर्णितः अस्ति। गुरवः, गुरवः, आम् आम्, अत्र सामान्य विद्यार्थी विद्यार्थिनः अपि सन्ति तु राष्ट्रभाषाम् एव भवेत्। तत्र मध्ये मध्ये राष्ट्रभाषा अपि सरलसंस्कृते वर्तते, चिन्ता नास्ति। एवं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। तो इससे सभी देवों का जब नमस्कार करते हैं वो केशव को जाता है, इस उक्ति से भी विष्णु का प्राधान्य व्यतीत होता है। निरुक्त के अनुसार विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है व्यापनशील। लोक में जो अपने किरणों को विकिरित करता है। कहीं कहीं मूल धातु विष तालव्य सकार यह भी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार विष्णु शब्द का अर्थ क्रियाशील यह भी होता है। वैकल्पिक रूप से विष धातु प्रवेश अर्थ में प्रयोग होता है। विष प्रवेश, विषति मतलब प्रविशति। विभू होने के कारण विष्णु का सर्वत्र प्रवेश हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। वस्तुतः विष्णु सभी देवताओं में अधिक क्रियाशाली है, क्रियाशील है। वह सभी देवताओं का सहायता करते हैं। वृत्रवध के समय विष्णु इंद्र की सहायता करते हैं। ऋग्वेद में विष्णु ने तीन पदों में
तीन पदों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णु के लिए त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग मिलता है। सूर्य रूप विष्णु पृथ्वीलोक, द्विलोक एवं अंतरिक्ष लोकों में अपने किरणों को प्रसारित करते हैं और उनके प्रकाश से जरायुज, अंडज, उद्भिज इन सभी प्राणियों की सृष्टि होती है। विष्णु शरीर के अधिष्ठात्रु देवता है। उनका उच्च लोक परम पद माना जाता है, जहां मधु का उत्सव होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। पक्षियों में गरुड़ उसका वाहन है, विष्णु जी का। विष्णु वैदिक वाङ्मय में उरुक्रम, उरुगाय, भीम, गिरिष्ठ, वृष्ण, गिरिज, गिरिक्षत, सहियान इत्यादि नामों से संबोधित होते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक माना व्यापनशील ऐसा माना है। वहां व्युत्पत्ति के रूप में स्पष्ट रूप में उल्लेख है कि व्याप्त्यर्थवाचकात् विषधातोः नुक् प्रत्ययोगेन विष्णु शब्द निष्पद्यते। विषधातु भी वहां विकल्प से स्वीकृत किया गया है, अथवा नुक् प्रत्ययान्तस्य विषधातोः रूपः विष्णु अस्ति। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, तस्य महात्मनः शक्ति ही अस्मिन् संपूर्णे विश्वे प्रविष्णु अस्ति। अतः सः विष्णुरिति कथ्यते, इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। तस्य महात्मनः शक्ति अस्मिन् संपूर्णे विश्वे प्रति प्रविष्टः, अतएव सः विष्णु। यहाँ विष धातु का अर्थ प्रवेश अर्थ लिया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकारों ने प्रायः एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक ऐसा स्वीकार किया है। ऋग्वेद में विष्णु सूक्त नाम से एक सूक्त है, गुरुवः भवतां माइक म्यूट अस्ति। हेलो, ध्वनि आयाति म्यूट जाने आयाति एक दूरभाषा आगता महोदय, ध्वनि न आगच्छति। आगच्छति गुरुवः, आगच्छति। विष्णु सूक्त नाम से एक सूक्त प्रसिद्ध है, बहु शनैः आगच्छति, यस्य मन्दम् अस्ति, जिसका ऋषि दीर्घतम है।
और इसका निवास स्थान द्यु स्थान है। विष्णु सूक्त के व्याख्या में आचार्य सायण विष्णु पद का अर्थ व्यापनशील देवता तथा सर्वव्यापक देवता यह अर्थ करते। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी इसका अर्थ व्यापकता के साथ जोड़ते। महर्षि दयानंद सरस्वती विष्णु शब्द का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा ऐसा स्वीकार करते। अनेक स्थान पर परम विद्वान ऐसा अर्थ भी विष्णु का स्वीकार किया जाता है। वैदिक देव परंपरा में सूक्तों की संख्या की दृष्टि से विष्णु का स्थान गौण है, क्योंकि उनका स्तवन केवल 5 सूक्तों में किया गया है। विष्णु की स्तुति केवल 5 सूक्तों में की गई, किंतु यदि सांख्यिक दृष्टि से न देख करके अन्य पक्षों से विचार करेंगे तो विष्णु का महत्व अत्यधिक है, ऐसा तथ्य समक्ष आता है। ऋग्वेद में वह बृहत शरीर सा माना गया है विष्णु, बृहत शरीर अर्थात विशाल शरीर युक्त। इसी प्रकार युवा कुमार ये विशेषण भी विष्णु के लिए आता है। ऋग्वेद में विष्णु के स्वरूप एवं वैशिष्ट्य इस प्रकार उल्लिखित है। विष्णु की एक अनुपम विशेषता यह है कि उनकी पाद त्रय गुरवः ध्वनि ही मंदम आगच्छति, एक बार बहिर्गत्वा पुनः भवन्तः आगच्छन्ति चेत् मन्ने सम्यक् आगच्छति। एवं वा दूरवाणी आगता मन्ने इति, अतः मध्ये तो आगता न, अतः एव एवं भवति। पूर्वं सही सम्यक् आसीत्, आम् पूर्वं सम्यक् आसीत्, मध्ये दूरवाणी आगता ततः परं अच्छा एक बार मन्दम आगच्छति, अतः इदानीम् अपि मन्दम्, आम् किञ्चित् मन्दम् अस्ति, पूर्वं सम्यक् आसीत्। एकवारं बहिर्गत्वा पुनः आगच्छन्ति चेत् जॉइन पुनः कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति इति मन्ये। अस्तु पश्यामः। इदानीं सम्यक् श्रूयते। ध्वनिः आयाति न? आम् आयाति, तथैव स्थास्यति, किञ्चित् शनैः अस्ति तथापि। न अत्र तु समीचीनम् आयाति, अन्येषां पार्श्वे कथम् अस्ति तदपि, तत्र नेट्वर्क् सम्यक् समस्या भवेत्, अत्रापि मध्यम् आगच्छति आयाति। अस्तु यथा अस्ति तथैव श्रूयताम्, उपायान्तरं नास्ति। तो विष्णु की एक विशेषता है कि उनके पादत्रय प्रक्षेप के बारे में चर्चा ऋग्वेद में 12 बार आता है,
संभवतः विष्णु की जो सर्वाधिक विशेषताएं हैं उनमें से ये पादत्रय प्रक्षेप उनकी एक विशिष्ट विशेषता है। उनके जो त्रिपद क्रम है वो मधु से परिपूर्ण है ऐसा माना गया है, जो कभी भी क्षीण नहीं होता है। उनका जो त्रिपद क्रम का विस्तार इतना है, इतना व्यापक है कि उसमें संपूर्ण लोक भी समा सकता है या पूरे लोक उसमें आश्रित हो सकता है। त्रेधा विचक्रमाणः ऐसा जो प्रयोग है वो भी प्रकारांतर से विष्णु के त्रिपाद प्रक्षेप को ही ध्वनित करता है। उरुगाय उरुक्रम ये जो दो संज्ञाएं हैं वो भी इसी तथ्य का परिचायक हैं। मधु आपूरित उनके तीन पदक्रमों में दो तो दृष्टिगोचर होते हैं लेकिन जो तीसरा है वो अगोचर है। ये जो तीसरा है वो सर्वोच्च पद है, वो पक्षियों के उड़ान से परे है और मर्त्य चक्षुओं के पार है, अर्थात मर्त्य की जो चक्षु की जो सीमा है उससे वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। यास्क के पूर्ववर्ती आचार्य शाकपुणि इस पाद प्रक्षेप त्रय को, ये जो तीन पाद प्रक्षेप है उसको पृथ्वी अंतरिक्ष और द्विलोक के रूप में ब्रह्मांड के तीन भागों में सूर्य के संचार गति का प्रतीक मानते। इसी प्रकार यास्क के अन्य एक पूर्ववर्ती आचार्य हैं और नवाभ, वह इस पाद प्रक्षेप को सूर्य की उदय स्थिति, मध्याकाश स्थिति अर्थात मध्यान्ह काल स्थिति तथा अस्तगामी स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने उस पाद प्रक्षेप को वर्ष का तीन प्रकार विभाजन मानते, अर्थात प्रत्येक भाग में चार चार महीने होंगे, उसका संकेत है। जो त्रिपद क्रम है वो वर्षों को चार भागों में विभक्त करने का संकेत है। यदि देखा जाए तो अधिकांश विद्वान विष्णु को सूर्यवाची मानकर उदय काल से मध्यान्ह पर्यंत उसका एक पाद प्रक्षेप, मध्यान्ह से अस्तकाल पर्यंत द्वितीय पाद प्रक्षेप और अस्तकाल से पुनः अग्रिम उदय काल तक तृतीय पाद प्रक्षेप स्वीकार करते। इन्हीं में से जो पूर्वोक्त दो प्रक्षेपों को दृष्टिगोचर किया जा सकता है और जो तीसरा है, तीसरा पद प्रक्षेप है वो अगोचर है, दृष्टिगत नहीं होता है। लेकिन मैकडोनल सहित अनेक अन्य विद्वानों का भी कहना है कि इस अर्थ में तीसरे चरण को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है, इसलिए वो पूर्वोक्त जो शाकपुणि का मत हमने बताया था तीन चरणों को सौर देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग मानते हैं। सूर्य की कल्पना का ही समर्थन करते हुए मैकडोनल ने विष्णु द्वारा अपने 90 अश्वों के संचालित किए जाने का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक के चार चार
नाम है। इस प्रकार चार की संख्या से गुणा करेंगे तो 90 का गुणा करेंगे तो 360 वर्षों को एक सौर वर्ष के दिनों से अभिन्न मानते। वस्तुतः विष्णोः द्वाभ्याम पदाभ्याम संपूर्ण विश्वस्य नियंत्रणात्मकतायाः तथा तृतीय पदेन तस्य परमधाम प्राप्तेः संकेतः विद्यते। ऋग्वेद में इसकी इस पद की रहस्यात्मक व्याख्या किया गया है, इसलिए यह पद इस पद को ज्ञानात्मक स्वीकार करके ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु परम पद ज्ञानियों के द्वारा ही ज्ञातव्य है। इस प्रकार विष्णु वाणी में वास करते हैं ऐसा भी माना गया है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथः है ऐसा ऋग्वेद में चर्चा आती है, बहुशः चर्चा आती है। आचार्य सायणेन गिरिपदम श्लिष्टम मत्वा तस्यार्थः बाणी इत्यनेन सह लाक्षणिक रूपेण पर्वत समानः उन्नत लोकः इत्यपि कृतः। गिरिपद को यदि इन दो अर्थों में स्वीकार किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तृतीय पद जहाँ पहुँचता है वहाँ उसका उनका आवास स्थान है ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। विष्णु का जो लोक है वो परम पद है, अर्थात गंतव्य के रूप में सर्वोत्कृष्ट लोक है। उसी परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश युक्त है, वहां अनेक श्रृंग युक्त गाय का अर्थ यहाँ किरण अब ले सकते हैं, अनेक श्रृंग युक्त गाय अर्थात किरण संचरण करते हैं। वो गाय जो गावः इत्यपि अत्र श्लिष्टम पदम, श्लेष में इसका अर्थ गौ ये किया जाए, यदि किया जाए तो दुग्धादि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य वहां द्योतित होता है। अगर किरण ये अर्थ लिया जाए तो वहां प्रकाश प्रकाश यानी आत्मिक उन्नति के का बाहुल्य सहजतया अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थाई उच्च है, स्थाई स्रोत है। यह मधु देवताओं को भी आनंदित करता है। इस प्रकार इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ करेंगे वो सभी स्थितियों में विष्णु जो है परम आनंद के वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी वर्ग अभिलाषी रहते हैं। उस आनंद के लिए अभिलाषी रहते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। इसीलिए सभी लोग मुक्त लोक की प्राप्ति की कामना करते हैं। उसी मंत्र में पुण्यशाली लोगों की तथा उनकी तृप्ति या आनंद
या प्रसन्नता का अनुभव का उल्लेख दिखता है। विष्णु की प्रमुख विशेषता यह है कि इंद्र के साथ उनका मैत्री भाव है माना गया है। इंद्र के साहचर्य में उनके पादत्रय के प्रक्षेप का प्रवर्तन होता है। ऐसा माना गया है कि कहा गया है वहां कि इंद्र के साथ मिलकर के वो संबर दैत्य का 99 दुर्गों का विनाश किया विष्णु ने। इसी प्रकार बुत्र के साथ विष्णु युद्ध में इंद्र का जो युद्ध हुआ बुत्र के साथ उसमें विष्णु सहायता करते हैं। इंद्र और विष्णु कहीं कहीं परस्पर शक्ति से युक्त माने जाते हैं। इसलिए विष्णु द्वारा जो सोमपान है जी वो इंद्र द्वारा पादप त्रय प्रक्षेप ऐसा वर्णित हुआ है। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल में और 69वां सूक्त में इन दो देवताओं का इंद्र और विष्णु का दो देवताओं का युग्म रूप में स्तुति की गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद के पंचम मंडल में 83वें सूक्त में इंद्र के सहचर मरुद्गण के साथ उनकी सहस्तुति की गई विष्णु की। विष धातु से व्युत्पन्न विष्णु पद का शाब्दिक अर्थ है व्यापक गतिशील क्रियाशील अथवा उद्यमशील। अपने बल विक्रम के कारण वह लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं, विष्णु की स्तुति की जाती है। मैं म्यूट करो भाई म्यूट करो। इससे विष्णु परम वीर्यशाली यह भी सिद्ध हो जाता है। सो वीर्यार्थम अथवा वीर कर्मणः कारणात् ते शत्रुणां भय कारणभूताः भवन्ति। तस्मात् जनाः एवं भयभीताः भवन्ति यथा पर्वतचारिणः सिंहात् प्राणिनः भयभीताः भवन्ति। परमेश्वराद् भीतिः इत्यादि श्रुति वचनों से यह सिद्ध होता है कि सामान्य लोग उनसे भय करते हैं। उनसे भय करना कोई अकारण भी नहीं है क्योंकि वे कुत्सित शत्रुओं का कुत्सितानाम मतलब शत्रुओं का वध रूप हिंसा कर्म भी करते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कुत्सित हिंसादि कर्ता जो कुरुचर जो शब्द है आया है कुचर जो शब्द है विष्णु के लिए आया है वो कुत्सित हिंसादि कर्ता कुत्सित हिंसादि कर्ताओं का वध करने वाला है विष्णु। इसलिए यह कहा जाता है उनके लिए कि वो हत्या करता नहीं है। तो विष्णु विस्तीर्ण व्यापक तथा
अप्रति हतगतिकः अस्ति उरुगाय उरुक्रमः इत्यादि जो नाम है ये इस तथ्य का पुष्ट करते उरुगाय का अर्थ सायण ने यह किया है कि महज्जनैः स्तूयमानः उरुगाय अर्थात अथवा प्रभूततया स्तूयमानः जदुनंदन मिश्र ने इस पद का अर्थ विस्तीर्ण गतिजुक्त करता है इनका जो पदक्रम है इस प्रकार सुदीर्घ है कि वो अपने पाद प्रक्षेप में तीन लोकों को नापने को क्षम है विष्णु त्रीणि पदानि जत्र एकतः सृष्टिं करोति स्थापनं करोति तथा धारणं च करोति तत्रैव अपरतः आश्रित जनानां पालन पोषणमपि करोति जनानां कृते भोग्यान्न दान प्राप्ति भोग्यान्नादि प्राप्ति तेभ्यः त्रिभ्यः पदक्रमेभ्यः प्रसाद स्वरूपं संभवति जेन सह परमतृप्तिम् अनुभवति ये च जनाः विष्णोः स्तुतिं कुर्वन्ति तेषां विष्णुः सर्वविधं कल्याणं करोति यतो हि तेषां स्तवनादि कर्मणा विष्णुः परमस्फूर्तिवान् भवति इसीलिए सभी लोग स्फूर्ति प्रदायिनी की स्तुति विष्णु तक पहुंचाने के लालायित रहते हैं वही वो जो विष्णु को वरिष्ठ दाता माना गया है विष्णु के जो गुण है उन गुणों में भी त्रयात्मकता देखा जाता है क्योंकि वो त्रिपद क्रमयुक्त त्रिप्रकार गतिक लोकत्रय माता तथा लोकत्रय धारक इस प्रकार तीन गुण उनमें है इसलिए इस प्रकार वह त्रिधातु अर्थात त्रिधातु अर्थात सत्व रज तमो का समीकृत रूपवान अथवा पृथ्वी जल तेजो भी युक्त वर्तते इति स्वीक्रियते विष्णु पार्थिव लोकों का निर्माण और परम विस्तृत अंतरिक्ष आदि लोकों का प्रस्थापन करने वाले वे स्वनिर्मित लोकों में तीन प्रकार की गति करने वाले हैं उनकी ये तीन गतियां उद्भव स्थिति और विलय की प्रतीक हैं इस पर ये प्रकार जड़ जंगम सभी के वे निर्माता भी हैं पालक भी हैं और विनाशक भी वे लोकत्रय का अकेला ही धारक है वे अपने तीन पाद प्रक्षोभों से अकेले ही तीन लोगों को नाप लेते हैं लोकत्रय को नाप लेने से भी यह फलित होता है कि लोकत्रय अर्थात वहां के समग्र प्राणी उनके नियंत्रण में संपूर्ण नियंत्रण में विष्णु को भ्रूण रक्षक भी माना गया है
गर्भस्थ बीज की रक्षा के लिए और सुंदर बालक की उत्पत्ति के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। उनके बालक स्वरूप पर स्पष्ट बल देने के कारण ऋग्वेद में अहोरात्र अग्नि रूप में भी उन्हें विष्णुर गोपा परमम पाति परमम पाति अर्थात सबके रक्षक पालक कहे गए। आचार्य सायण ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 25वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में विष्णु को स्पष्ट रूप से पालन से युक्त मानते हैं। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी माना गया है। अनेक मंत्रों में सर्वाधिक मंत्रों में इंद्र का वर्णन आता है लेकिन विष्णु का उससे कम मंत्रों में आता है। तो फिर भी इंद्र को सुकृतः कहा गया है, वह विष्णु को सुकृतरः कहा गया है। तो सुकृतरः सुकृतरः इसका अर्थ आचार्य सायण ने उत्तम फल प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ ऐसा अर्थ किया है। श्रीपाद सातवलकर जी ने उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ यह अर्थ किया है, सुकृतरः इसका अर्थ। और दयानंद सरस्वती जी ने अतीव उत्तम कर्म वाला ऐसा अर्थ किया है, सुकृतरः शब्द की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो इंद्र सुकृत सुकृतः और विष्णु सुकृतरः इसमें उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई। यद्यपि अधिक मंत्रों में इंद्र की स्तुति की गई है फिर भी इंद्र को सुकृत कहा गया और विष्णु को सुकृतरः कहा गया, इसलिए तात्पर्य स्पष्ट है। ऋग्वेद में मान लिया गया है कि विष्णु सर्वोच्च है, इसलिए इस प्रकार इंद्र के राजा होने के बावजूद विष्णु की सर्वोच्चता ऋग्वेद में प्रमाणित होती है। कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं। इंद्र के लिए कहा गया है कि वे राज्य संचालन करते हैं। तो इससे ये तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, सृष्टि के सर्जक एवं पालक विष्णु ने संचालन के लिए इंद्र को राजा बनाया। तो इस प्रकार विष्णु की सर्वोच्चता सिद्ध हो जाती है, मैं समझता हूँ। और विष्णु के बारे में इतना कुछ कहने के बाद मैं कुछ रुद्र पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन समय चूंकि हो गया है फिर इतने कम समय में अभी रुद्र की चर्चा नहीं की जा सकती है। अब मैं कुछ मुझे यात्रा भी करनी है, इसलिए मैं और अधिक समय ना लेता, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विषय तो व्यापक है और बोला भी जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमने जितना अभी प्रतिपादन किया एक व्याख्यान के लिए उतना पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सभी ने हमें सुना है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी को। आपने विष्णु के स्वरूप विषय पर बहुत ही सार गर्भित व्याख्यान हम सबको प्रदान किया। विष्णु के स्वरूप पर वैदिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और पाश्चात्य विद्वानों ने जो उनके अर्थ किए हैं, हर प्रकार से बहुत ही सारगर्भित था। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल गुरु जी से निवेदन करते हैं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च हरिः ओम। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः
दिवि वा चक्षुरा विष्णोः कर्माणि पश्याता जातो व्रातानि पशुपाशे इन्द्रस्य याजुजियाः साखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरायाः दिवि वा चक्षुरातम् अयि मन्याः जानन्त्येव सर्वेपि यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयम् उपक्रमः पौरोहित्य प्रशिक्षणाय प्रकल्पते एकविंशति दिवसात्मके अस्मिन् प्रकल्पे अस्माकं मान्यमान्याः शैक्षिक निदेशकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महोदयाः महान्तो विद्वांसः सुकवयः सन्ति भगवतः विष्णोः रुद्रस्य च भवताम् आसीत् विषयः परञ्च विष्णोः कर्माणि पश्याता जतो व्रतानि पश्ये इन्द्रस्य द्विजयः सखा तस्य भगवतः विष्णोः अहं राष्ट्रभाषया वच्मि यतो हि छात्रापि समवगच्छेयुः हमारे पौरोहित्य प्रशिक्षण के इस उपक्रम में एक विंशति दिवसात्मक जो राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित समायोजित किया गया और हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के द्वारा यह आज नवम दिवस में है। तो नवमः पूरणिया संख्या पूर्ण संख्या है नौ, तो नौ जो है पूर्ण संख्या है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो इसी पूर्ण विष्णु का यहाँ पर गुरुजी ने व्याख्यान किया। प्रोफेसर बनमाली विश्वाल गुरुजी शैक्षिक निदेशक हैं अपने राष्ट्रीय अपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, और आपने बहुत ही उत्तम व्याख्यान भगवान विष्णु के नामों को बताया। विष्णु का स्मरण वास्तव में कर्मकांड में बहुत ही अनिवार्य है, सत्कर पूजा के शुभ मांगलिक कार्यों में भी अपवित्र अपवित्रो वा यहाँ से लेकर के यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्या भिन्तरः शुचिः, तो यहाँ से लेकर के और यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। तो ऐसे विष्णु की जिनके नाम लेने मात्र से ही जीव के संकीर्त्या नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखाः सुखिनो भवन्ति, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। ऐसे भगवान का नारायण का जो यज्ञों वही विष्णु हूँ, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है यज्ञों वही विष्णु हूँ, तो ऐसे विष्णु का स्मरण विस्तृत व्याप्तो धातु से गुरु जी ने नुक् प्रत्यय करने पर जो है विष्णु शब्द बनता है। उनके जो तीन पद हैं, वास्तव में तीन पद में गुरु जी ने मुझे भी याद दिलाया कि श्रीमद् भागवत में यह बात आती है कि भाई दो पद तो मैंने नाप लिए, तुम्हारा जो ऐश्वर्य था भूलोक द्यूलोक से लेकर के सारे लोक नाप लिए, अब पदम तृतीयम कुत्र, आप मुझे कहां से जो है कहां पर देंगे तृतीय पद। तो बलि ने जो है बहुत ही सुंदर बात कही, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि मे निजम, हे प्रभु आप अपना जो तृतीय पद है वह मेरे ब्रह्मरंध्र में। हमारे यहाँ पहाड़ में आप लोग सब जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ब्रह्मंड भी बोलते हैं इसको, है कि मैं क्या करूं अपना ब्रह्मंड करूं क्या करूं, तो यह शब्द कहा जाए तो यह ब्रह्मंड, तो यानी तृतीय पद, ये ब्रह्मा ये पूर्ण जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो इस सिर में अर्थात हमें ब्रह्मरंध्र में, हो सकता है ब्रह्मरंध्र से ही ब्रह्मांड का जो है वहां संचार चला गया शब्द का, तो लोग जो है ऐसा भाषा विज्ञान के आधार पर लोग जो है उसको ब्रह्मंड कहने लग गए। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि मे निजम, आप तृतीय पद जो है मेरे इस सिर पर रखें, अर्थात
तात्पर्य ये हुआ कि सभी जीवों को वास्तव में, जैसे गुरुजी ने बताया कि वह सूर्य के रूप में भी हैं और चारों ऋतुओं का, चारों ऋतुओं माने चार महीने के हिसाब से तीन का गुणा करके करेंगे, चार तीन चको 12, इस प्रकार से भी आपने बताया कि वह चार चार मास को लेकर के ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा। और फिर 9 से गुणित करेंगे, आज भी नवम दिन है तो उससे 9 से भी गुणित करके तो फिर वह 360 जो है दिन के लिए, जैसे गुरुजी ने बताया, इस प्रकार से संख्यात्मक ढंग से भी जो है आपने इसका व्याख्यान किया। भगवान जो विष्णु है, नारायण है, उनको वास्तव में ब्रह्मरंध्र में हमको ध्यान करना चाहिए, यह तात्पर्य है। और सूर्य भी जो है तीन, हम लोग जब संध्या उपासन करते हैं तो कर्मकांडी गुरुजी ये सब लोग जो है पुरोहित ये सीख रहे हैं तो ये लोग जानते हैं कि प्रातः काल में जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो उदय ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यं दत्तम नमः, मध्याह्ने विष्णु स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यं दत्तम नमः, सायंकाले शिव स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यं दत्तम नमः, सायंकाल। तो त्रिमूर्ति जो ना, तीनों मूर्ति जो है भगवान सूर्य में हम लोग देखते हैं। और ध्येय सदा सुवित्रि मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्रः। तो ऐसे भगवान सूर्य को, सूर्य को भी जो गुरुजी ने बताया कि वे ही विष्णु हैं। और जत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः, जहां पर अनंत तेज है तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तो जो सूर्य हैं विद्वान सह संति, गुरुजी जैसे विद्वान नित्य उनका ध्यान करते हैं और उस ब्रह्म का, उस ब्रह्म दृष्टि को स्थिर करते हैं। और वास्तव में हम लोग जो है सर्व देव नमः केशवम प्रति गच्छति, यह भी आचार्य जी ने बताया, पूज्य बनमाली विश्वाल गुरु जी ने बताया कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तो वास्तव में प्रारंभ से लेकर के वो सर्वम विष्णुमयन जगत, और विष्णु में और शिव में कोई भेद नहीं है कि केशवम रुद्रम वा भेदम कुर्वन्ति, ऐसा एक वाक्य मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन यह लिखा गया है कि रौरवम नरकम व्रजेत, वह जो है नरक को प्राप्त होता है कि जो विष्णु में और शंकर में भेद करता है। और वास्तव में जब श्रीमद् भागवत में भी आता है कि अत्रि जो है भगवान, तीनों देवता जब उन अत्रि के सामने प्रकट हुए, अत्रि ध्यान कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने कहा मैंने तो एक ही देव का ध्यान किया, आप तीनों लोग क्यों प्रकट हो गए बताइए। ऐसे भी ऋषि थे, लोग दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं तो वो कहते हैं कि आप तीन क्यों आ गए, मैंने तो एक का स्मरण किया था। बोले हाँ हाँ हम एक ही हैं, भो अत्रि वयम नत्रि, इसलिए अत्रि कह दिया उसको, अत्रि नत्रि इति अत्रि, इसलिए उनका नाम भी बोले अत्रि पड़ गया कि हम तीन नहीं हैं, हम एक ही हैं। तो वास्तव ऐसे अत्रि जो है ऋषि हैं, उनके माध्यम से गुरुजी ने हमें स्मरण दिलाया। तो मैं आज आपके व्याख्यान के लिए, आपने बहुत ही सुंदर उत्तम भगवान नारायण का स्मरण, भगवान विष्णु का जो व्यापक व्याख्यान किया, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पूज्य कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह प्रकल्प चलाया, एवं पूज्य निदेशक प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी को, सच्चिदानंद जी को, और डॉक्टर अमंद मिश्र जी जो इसका संचालन कर रहे हैं, एवं अपनी टेक्निक जो टीम है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें जो हमारे छात्र सुश्रवाह जो सुंदर रूप से सुन रहे हैं, भली भांति सुन रहे हैं, संख्या में वृद्धि और क्षय जो है होता रहा है, तो लेकिन यहाँ पर जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सभी प्रशिक्षु और जिज्ञासु जन सुन रहे हैं, आप सभी को बारंबार धन्यवाद और प्रणति पुरस्सर मैं गुरु जी को पुनः एक बार धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आपके व्याख्यान से हम लाभान्वित हुए, एवं अभी हम द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं। मैं डॉक्टर अमंद मिश्र जी से निवेदन करता हूँ, वो अगले सत्र का शुभारंभ कराएंगे।
प्रोफेसर बनमाली विश्वाल गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी छात्रों का पुनः धन्यवाद।